दोस्तों, हमारे भारत देश में सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर मौजूद हैं, जो अपने बेमिसाल स्ट्रक्चर और खूबसूरती से आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंस को भी हैरान करके रख देती हैं। और उनमें से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में शुमार किया जाता है। दरअसल इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्य है जिसके जवाब की खोज आज भी की जा रही है। बताया जाता है कि किसी समय इस मंदिर के शीर्ष पर एक स्पेशल किस्म के विशाल आकार के चुंबक लगी हुई रहती थी, जिससे मंदिर में मौजूद सूर्य देव की मूर्ति हर समय हवा में लटकती रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आज से सैकड़ों साल पहले इस मंदिर को आखिर किस तरह बनाया गया था, और क्या वजह है कि इस मंदिर का मेन गेट पिछले 120 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस मंदिर के बारे में ऐसे इस तरह की बहुत से रहस्यमय बातें हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, और साथ ही साथ पूरा मंदिर को घुमा के दिखाएंगे। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा के पुरी राज्य में स्थित है। पुरी के स्वर्गद्वार सी बीच से यहाँ की दूरी है नियर अबाउट 37 किलोमीटर। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्वर्गद्वार सी बीच के सामने से ऑटो मिल जाएगी, या फिर आप अपने होटल से कार हायर करके भी आ सकते हैं। ऑटो आपको रिजर्व करके आना पड़ेगा, जिसका चार्ज पड़ेगा 800 रुपया। और अगर आप कार हायर करके आते हैं तो 4 सीटर के लिए 1200 रुपए और 7 सीटर के लिए 1500 रुपए चार्ज पड़ेगा। या फिर आप लोग ODTC के साथ कोणार्क टेम्पल और चंद्रभागा सी बीच एक साथ घूम सकते हैं। ODTC बुकिंग काउंटर ऑफिस आपको पूरे में ही मिल जाएगी। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ODTC के साथ घूमने के लिए आपको चार्ज पड़ेगा पर पर्सन 500 से 550 रुपए तक। सो दोस्तों, अभी हम लोग कोणार्क सन टेम्पल पहुँच गए हैं, और यहाँ का टिकट प्राइस है 40 रुपीज पर पर्सन। यह मंदिर हफ्ते में 7 दिन ही खुली रहती है। सुबह 6 बजे खुल जाती है और शाम को 8 बजे तक बंद होती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रीति। तो आज हम लोग आ गए हैं पुरी का कोणार्क टेम्पल, द सन टेम्पल, जिसके साथ बहुत सारा कहानी जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग अंदर मंदिर के अंदर चलते हैं और आपके साथ एक एक रहस्यमय कहानी शेयर करते हैं। यह मंदिर पूर्व गंग वंश की राजा नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा सन 1250 शताब्दी के आसपास बनाई गई थी। राजा नरसिम्हा देव ने इस मंदिर को भगवान सूर्य देव को समर्पित करते हुए बनाया था, जिसमें सूर्य देव की एक विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी। यहाँ तक कि मंदिर की संरचना भी सूर्य देव के रथ के तरह की गई थी। कोणार्क द सन टेम्पल एस्टैब्लिश हुआ था 13th century को। अभी हम लोग खड़े हैं कोणार्क का सन टेम्पल का नाथ मंदिर के ऊपर। नाथ मंदिर के बाद ही आपका मेन मंदिर है सन टेम्पल। इस मंदिर का रूप इस तरह है कि सुबह की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो देखने में बहुत ही अद्भुत सुंदर लगती है। इस मंदिर के दीवारों पर मूर्तिकला का बेहतरीन काम देखने को मिलती है, और हर एक स्कल्पचर की अलग अलग मीनिंग है। इधर है कोणार्क सन टेम्पल का नाथ मंदिर, और उसके ठीक ऑपोजिट साइड में है आपका मेन मंदिर द सन टेम्पल। यह जो स्कल्पचर है जिसमें शेर के नीचे हाथी और उसके नीचे इंसान दबा हुआ नजर आ रहा है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह स्कल्पचर में शेर इंसान के अहंकारों को और हाथी इंसान के इमोशंस को दर्शाते हैं। सो इसका यह मतलब निकलता है कि इंसान अपने झूठे अहंकार के बीच अपने इमोशंस में कैद होकर जिंदगी भर फंसे रह जाते हैं। इस मंदिर के दोनों तरफ पत्थरों की 12 जोड़ी पहिए लगाई गई है। साथ ही 7 घोड़े इस मंदिर के आगे की तरफ इस तरह से बनाई गई है कि उनको देखकर लगता है कि मानो मंदिर को खींचकर आगे की तरफ ले जा रही हो। मंदिर के दोनों तरफ बनाए गए ये पहिए प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। दरअसल ये 12 पहिए साल के 12 महीने को दर्शाती है, और ये पहिए की मदद से समय की सही अंदाजा भी लगाई जा सकती है। असल में यह पहिए एक ऐसी सनडायल का काम करती है जो सिर्फ घंटे ही नहीं
बल्कि मिनट और सेकंड तक का समय बताती है। दोस्तों, ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं इस मंदिर के बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर और विशालकाय चुंबक है जो कभी इस मंदिर के शीश पर लगी हुई रहती थी। बहुत से एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर पर लोडस्टोन नामक एक पत्थर लगाया गया था जो एक प्राकृतिक चुंबक के नाम से जाना जाता है। विशाल ये चुंबक के वजह से ही मंदिर के अंदर स्थापित की गई सूर्य देव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी हुई रहती थी। लेकिन इस चुंबक के साथ क्या हुआ और आज के समय पर ये कहाँ पे है? कहा जाता है कि शुरुआत के समय पे मंदिर समुद्र के किनारे पर हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे समुद्र के पानी भी कम होती गई और मंदिर कई किलोमीटर समुद्र से दूर हो गई। कहते हैं कि मंदिर में लगाई गई वह चुंबकीय लोडस्टोन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके वजह से समुद्र से गुजरने वाली जहाजों को कंपास काम करना बंद हो जाता था और जहाज अपने दिशा भटक जाती थी। कहा जाता है कि पोर्तुगीज नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस मैग्नेट और सूर्य देव की मूर्ति को अपने साथ ले गए और फिर यह मंदिर धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर को मजबूत देने और इसे खड़ा रखने में इनका बहुत ही बड़ा रोल था, क्योंकि इस मंदिर को बनाए में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उन पत्थरों के ब्लॉक्स के बीच में लोहे के प्लेट्स लगाई गई थी ताकि मैग्नेट के पावर से सभी पत्थर अपने जगह में जमी रहे। लेकिन मैग्नेट निकालने के बाद समय के साथ साथ मंदिर नष्ट होने शुरू हो गई। इस टेंपल का जो हिस्सा हम लोग देख रहे हैं वो असल पे पूरा मंदिर नहीं है। दरअसल इस मंदिर के 3 कुल मंडप हुआ करते थे, जिससे 2 मंडप कुछ सदियों पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और इसका सिर्फ एक ही मंडप ही बाकी रह गया है जो कि मेन मंडप है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंडप के अंदर पर जाने वाली सभी दरवाजे आज से 120 साल पहले बंद क्यों कर दिया गया जो आज भी बंद पड़ा है। 1900 शताब्दी के समय पर इस मंदिर की आखिरी मंडप भी कमजोर हो गई और गिरने की कागार पर पहुंच गया था। इस मंडप को गिरने से बचाने के लिए इस मंडप के अंदर पर रेत भर दिया गया और मंदिर के सभी दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दी गई ताकि इस मंडप को गिरने से बचाया जा सके। सो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं एक धार्मिक सी बीच पे जिसका नाम है चंद्रभागा सी बीच और कोणार्क सन टेंपल से यहाँ का डिस्टेंस है 3.5 किलोमीटर। कार से यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट और पूरी स्वर्गद्वार सी बीच से यहाँ का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर और कार से यहाँ पहुँचने में आपको टाइम लगेगा नियर अबाउट 1 आवर। अभी हम लोग हैं चंद्रभागा बीच के सामने। ये जो बीच है ये आपका कोणार्क सन टेंपल से 3 किलोमीटर दूरी पे है और पुरी से 30 किलोमीटर। आपको जो बोल रहे थे कि अगर इस साइड आप कोणार्क के तरफ अगर आते हैं तो 4 पॉइंट पड़ता है साइट सीन में, तो ये एक पॉइंट है। काफ़ी खूबसूरत सा शांत सा एक बीच है जहाँ पे आपका एक्टिविटी के तौर पे यहाँ पे बाइक राइडिंग होता है, बट यहाँ का एनवायरनमेंट ही इसमें अलग सा एक खासियत ले आता है। यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे दुकान हैं, आप यहाँ से जो शेल्स वगैरह से बना हुआ जो भी यहाँ पे आपका स्टैचूज वगैरह है, मूर्तिज़ वगैरह, वो सब आप ले सकते हैं। ऑपोजिट में कार पार्किंग, फिर आप छोटा छोटा बहुत सारे आपके होटल्स वगैरह हैं जिस पे आप अपना चाहे तो लंच या ब्रेकफास्ट, जैसे ही आप जिस वक्त यहाँ पे आए उस हिसाब से आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा शांत सा एक टूरिस्ट स्पॉट है। चंद्रभागा बीच एक धार्मिक बीच है।
बीच में ही आप देखिए हनुमान जी का मंदिर है बीच के ऊपर ही, और मंदिर से थोड़ा आगे अगर आप जाते हैं वहाँ पे सब आपका फिशिंग वगैरह मछुआरे जो है उन लोग वहाँ पे फिशिंग करते हैं, और बीच के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स के हिसाब से आप यहाँ पे बाइकिंग कर सकते हैं जिसका चार्ज है 150 रुपीज। अभी जा रहे हैं नेक्स्ट साइट सीइंग पॉइंट चंडी माता मंदिर, और चंद्रभागा सी बीच से यहाँ का डिस्टेंस है नियर अबाउट 15 मिनट्स बाय कार। ये है देवी माँ चंडी का मंदिर जो आपका कोणार्क जाते वक्त ही पड़ेगा, तो आप जब भी कोणार्क के रास्ते के तरफ जाए जाते वक्त या आते वक्त जैसे आपका वक्त हो यहाँ पे आके माथा टेक के जाइएगा, और यहाँ पे मन्नत का चुन्नी बंधा जाता है। वीडियो हम लोग ही पेंट करते हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग वीडियोस। थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ एंड घूमते रहिए।